फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 22, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो बिफोर स्टार्टिंग वॉइस वी विल डिस्कस फर्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट द टेंसेस। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टेंसेस इन द प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो, बट टुडे वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर्स। सो लेट अस हैव अ लुक। स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट इज हेयर, एंड दिस एस एंड ई एस इज डिपेंड्स ऑन द वर्ब ऑन द सब्जेक्ट, दैट वॉट सब्जेक्ट इज देयर। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू हैव टू पुट अप एस, एंड इफ योर सब्जेक्ट इज नॉट सिंगुलर देन नो नीड टू पुट अप एस और ई एस। सपोज यू हैव टू राइट ही ईट्स a mango, then he is the singular subject there, then you have to put up s verb, singular verb होगी अगर आपकी, तो आपको क्या करना है, तब आपका s और es simple present में लगता है। आप sentence लिख रहे हैं he eats a mango, उसने एक mango खाए, तो यहाँ पे eat क्या है आपका first form of the verb, यहाँ पे क्या है eat, उसके साथ में आपका एस लगा अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही होता शी होता तब यहाँ पे आपको एस लगाना है वर्ब के साथ में, अदरवाइज नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे दे होता दैट इज़ प्लूरल, आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता तो आपकी वर्ब यहाँ पे दे ईट मैंगो या अ मैंगो, तो आपका वहाँ पे वर्ब के साथ में एस और ईएस ऐड नहीं होता। ओके ना, इन द पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया कि थोड़ा सा ही चेंजेस होता है क्या, अकॉर्डिंग टू द टेंस वर्ब शुड बी चेंज, वर्ब चेंज होती है उसी से आप आइडेंटिफाई करते हैं टेंस। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज देयर तो आपको समझ में आता है कि सेंटेंस किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है वर्ब का तो सेंटेंस विल बी इन पास्ट टेंस, और विल शैल दिया हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में, तो सेंटेंस किस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में। देन नेक्स्ट वी है सिंपल, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में आपकी बी वर्ब्स ऐड होती हैं, दिस इज द बी वर्ब्स इज एम आर, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आई एन जी ऐड होता है एंड देन ऑब्जेक्ट, सो दैट इज कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब दैट इज द बी वर्ब्स हियर, अगेन वी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन आई एन जी विल बी एडेड टू दैट एन ऑब्जेक्ट, और आई एन जी हमेशा आपका फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही एड होता है वर्ब के। ओके, देन फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। देन कम टू द परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट हैज हैव दैट इज द बी वर्ब हियर, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन पास्ट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फ्यूचर टेंस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या नोटिस किया, बस थोड़े थोड़े से चेंजेस होते हैं, अदरवाइज द सेंसेस स्ट्रक्चर विल बी सेम, बट ये जो छोटे चेंजेस होते हैं उनको आपको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, उस पर आपको फोकस करना ज़रूरी है, ध्यान में रखना, जिससे आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपका सेंटेंस कौन से टेंस में। तो ये आपको वर्ब्स जो रहती हैं आपकी उन पे फोकस करना ज़रूरी है, बी वर्ब्स हैज हैव है, उसके साथ में अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो परफेक्ट टेंस में, हैज हैव के साथ में अगर थर्ड फॉर्म है, और हैज आपका सिंगुलर के साथ लगेगा, हैव लगेगा प्लूरल के साथ में। ओके, पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड वन मोर थिंग, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये बात ध्यान में रखना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है दैट इज़ द परफेक्ट टेंस इज देयर। सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर बाय हार्ट लर्न करने बहुत ज़रूरी है, सो गो थ्रू दिस। ओके, देन कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर, ये भी जो आपकी बी वर्ब्स दी हुई हैं ये भी आपका इज लगेगा सिंगुलर के साथ जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आर लगेगा प्लूरल के साथ एंड एम जब आई दिया हो। वॉज वर्ब में भी सिंगुलर में वॉज लगेगा, वर लगेगा प्लूरल में। देन
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब आईएनजी फॉर्म किस में लगेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ में, हैज लगेगा सिंगुलर के साथ, हैव लगेगा प्लूरल के साथ। देन इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ओ दैट इज ऑब्जेक्ट। देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको बनने चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू द अदर एक्सरसाइज रिलेटेड टू एक्टिव पैसिव वॉइस एंड द नरेशन ऑल्सो। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द नरेशन ऑल्सो। सो एस इज़ फॉर सब्जेक्ट, ओ इज़ फॉर ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म वी वन दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी थ्री दैट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड वी टू इज दैट इज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके सो लर्न दिस टेबल केयरफुली। Now come to the active passive voice. We will talk about active passive voice. So most verbs, transitive verbs are occur in two voices, that is active and passive voice. There are two special forms of verbs, जिनको हम क्या बोलते हैं, active voice और passive voice. Voice means क्या होता है, बोलना। तो active voice and passive voice. Active means जब certain action is being done, कोई काम किया जा रहा है subject के द्वारा, so that is active voice. Let us come to the definition. Active voice. A verb is said to be in the active voice when the person or thing denoted by the subject performs the action. Verb को हम कब बोलते हैं कि वो active voice में है, जब जो भी subject को denote कर रहा है, either it may be the person, either it may be the thing that performs the action, जब वो action कर रहा हो, तो वो वाली वर्ब को हम एक्टिव वर्ब बोलते हैं, दैट इज इन द एक्टिव वॉइस। देन पैसिव वॉइस, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन, द सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन एक्सप्रेस्ड इन द वर्ब। तो ये वर्ब को हम कब बोलते हैं कि वो पैसिव वॉइस में है, जब वो पर्सन या तो कोई थिंग किसके द्वारा डिनोट की जा रही, सब्जेक्ट के द्वारा, वो एक्ट कर चुकी हो, दैट इज एक्टेड अपॉन। एक्टिव वॉइस में द पर्सन और सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन, एक्शन हो रहा है, और पैसिव वॉइस में एक्शन हो चुका होता है, दैट इज द पर्सन और थिंग इज एक्टेड अपॉन। द सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन एक्सप्रेस्ड इन द वर्ब, जो वर्ब में एक्शन एक्सप्रेस किया जाता है, जो भी आपकी मेन वर्ब है उसके थ्रू जो एक्शन एक्सप्रेस किया जा रहा है, वो परफॉर्म नहीं करता है सब्जेक्ट। ओके नाउ it will be more clear by the example. Active voice, the hunter shot the tiger. यहाँ पे आपका hunter क्या है, the hunter क्या है, subject है, shot is the main verb here, the tiger is object here. Hunter ने tiger को shot किया, means gun shot किया, गोली मारा। तो यहाँ पे shot करना ये verb हो गया, आपका main verb हो गया, and the tiger is the object here. यहाँ पे action कौन receive कर रहा है, tiger. तो यह subject is performing the action, that is the verb is in active voice. Now next, passive voice में same sentence को हम कैसे convert करेंगे, the tiger was shot by the hunter, the tiger was shot by the hunter. अब इस sentence में आपका subject क्या हो गया, tiger. तो tiger is not performing the action, tiger is already received the action and subject is already acted upon in this sentence. Subject अपना काम कर चुका है, so that is the verb is in the passive form. Verb किस में है, passive form में है, the tiger was shot by the hunter. Okay, so here subject is not performing the action. So in this way you will be easily do the exercise. There are certain rules while transforming the sentence from active to passive voice, the subject become object and object become the subject while converting any sentence into the passive voice. And the third form of the verb is also be added. Verb ka third form add hota hai. Iski short aapka main verb hai aur uska third form bhi, that is the past participle, wo bhi short hota. And tiger ye subject hai hamara yahan pe and it is in the singular form. सिंगुलर नंबर है, इसीलिए वहाँ पे आपका जो बी वर्ब है वो भी सिंगुलर लगेगी. तो द वर्ब शुड बी एग्री विद द सब्जेक्ट, इस बात पे ध्यान रखिएगा. नाउ नेक्स्ट वी हैव द चेंज ऑफ वॉइस.
हाउ वी विल डू द पैसिव वॉइस इज फाउंड विद द सुटेबल टेंस ऑफ द वर्ब बी फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल. जैसे कि हमने अभी इसमें किया था कि पैसिव वॉइस में कौन सा सुटेबल फॉर्म था बी वर्ब का, वॉज. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो बी वर्ब तो लगेगी साथ में. इट इज़ फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल क्या है यहाँ पे? शॉप. दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ स्टडी दिस टेबल. टेंस यहाँ पे दिया हुआ आपको कि कौन से टेंस में आपको कौन सी वाली वर्ब लगेगी, विच वर्ब यू हैव टू अप्लाई है. सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट की वर्ब आपकी क्या है? राइट, या तो राइट्स होता है. अभी मैंने बताया आपको कि सिंगुलर के साथ में एस लगेगा और जहाँ पे सिंगुलर वहाँ पे आपका वर्ब में एस नहीं लगेगा. तो पैसिव में कन्वर्ट करते समय एज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है वो लगेगा. एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी देयर. देन प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस का आपका स्ट्रक्चर अभी आपने पढ़ा है कि एज एम आर एंड राइटिंग, दैट इज़ द वर्ब हेयर. ये आपकी मेन वर्ब है, उसमें आई एन जी एड हुआ है. राइट के साथ में आई एन जी एड करके यहाँ पे आपका वर्ब दैट इज इन कंटिन्यूस टेंस. ओके, तो एज एम आर उसके साथ में बींग भी लगेगा. ये बात हमेशा रिमेंबर रखना कि वाइल कन्वर्टिंग एनी सेंटेंस, एनी सेंटेंस विच इज़ इन कंटिन्यूस टेंस, वहाँ पे आपका बींग ज़रूर एड लगे होगा. और बी वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द टेंस लगेगी. इज एम आर लगेगा आपका प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज वर लगेगा. ओके, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ हैव रिटन. हैज़ हैव रिटन, नो इट इज नॉट, या रिटन, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है. देन देन सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट में रोट, दैट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगी आपकी वर्ब? वॉज वर और रिटन. पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर राइटिंग, वॉज वर बींग रिटन, थर्ड फॉर्म लगेगा आपका. पास्ट परफेक्ट टेंस हैड रिटन, हैड बीन रिटन. सिंपल फ्यूचर विल शैल राइट, विल शैल बी रिटन. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस विल शैल बी राइटिंग, नो चेंज हेयर. फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल शैल हैव रिटन, विल शैल हैव बीन रिटन. सो स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न दिस टेबल बाय हार्ट और आप इसी की मदद से आप चेंजेस कर पाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में और पैसिव से एक्टिव वॉइस में, अगर आप ये स्ट्रक्चर ये टेबल अच्छे से ध्यान रखते हैं तो. ओके, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए लर्न दिस टेबल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज ऑल्सो बाय डूइंग प्रैक्टिस. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से. एंड वन मोर थिंग कि जितने भी हमारे टेंस है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उन सभी टेंसेस के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता, देर विल बी नो चेंज. नेक्स्ट वी हैव नोट द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब्स. जो सेंटेंस जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं देर विल बी नो चेंज. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मैंने पहले भी पढ़ाया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज विच नीड्स ऑब्जेक्ट टू कम्प्लीट इट्स मीनिंग, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. ओके, सो देर विल बी नो चेंज इन ऑल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इन वॉइस. अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा वॉइस में. किस में? पैसिव वॉइस में. दैट इज़ व्हाइल चेंजिंग द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होगा, द सेंटेंस विल रिमेन एज इट इज़. ओके, दे कैन नॉट बी चेंज इन टू पैसिव वॉइस. नाउ चेंजेस ऑफ प्रोनाउन. जो भी हमारे एक्टिव वॉइस में प्रोनाउंस होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो what we have to do. I becomes me, we becomes as, you as it is, there will be no change. He, him, she, her, it as it is, they becomes them. तो ये ध्यान में रखना है आपको. Now rules for changes active voice, rules for changing active voice into passive voice. What are the rules? जैसे मैंने बताया that subject becomes object and object become passive. They interchange their places. And the third form of the verb, that is past participle form, will be used as main verb only. Main verb का हमको third form use करना है. और आपकी जो be verbs हैं according to the tense giving in the sentence. Sentence में कौन सा tense दिया उसके according आपको be verb का use करना है. Be verbs क्या है? ये अभी मैंने बताया था आपको. These are the be verbs. These
जिससे आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपका सेंटेंस कौन से टेंस में है, और उसको आपको सुटेबली पुटअप करना है अकॉर्डिंग टू द टेंस। ना कोई सेंटेंस अगर इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसको आप कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे? उसका स्ट्रक्चर है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, पोस्ट दिस लेटर, ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, आप इसमें क्या बोला जा रहा है कि इस लेटर को पोस्ट करिए। तो यहाँ पे आपको और अलग से कुछ नहीं लगाना है, लेट का यूज़ करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ आपको, दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे आपको लेट का यूज़ करना है। ओके, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, पोस्टेड दैट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ये आपको एक्टिव वॉइस में दिया है, पैसिव वॉइस में लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। नेगेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस नो नॉट नेवर इस टाइप के वर्ड्स, एनी नेगेटिव वर्ब्स, जो भी वर्ब्स दी हुई हों, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। अब पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब्स, ये भी आपके टेंस के अकॉर्डिंग होगा, प्लस नो नॉट और एनी नेगेटिव वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय एजेंट, बाय जो आप ऐड करते हैं किसके पहले, ऑब्जेक्ट के पहले। एंड वी वर्ब पुटअप करने के पहले ये चीज़ भी ध्यान रखना कि सब्जेक्ट आपका पैसिव में कन्वर्ट करते समय सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्ब्स को पुटअप करना है। नाउ हैव अ लुक इन द एग्जाम्पल, फर्स्ट वन, सुमित नेवर टेल्स अ लाई। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, सुमित, नेवर क्या है आपकी वर्ब, सुमित नेवर टेल्स अ लाई, ये आपकी मेन वर्ब है टेल्स। सो अ लाई इज, क्योंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, उसको कन्वर्ट करते समय आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट आपने पहले पुटअप किया, अ लाई क्योंकि प्रेजेंट में है इसलिए ऑक्सिलरी बी वर्ब्स आपकी क्या लगेगी, इज नेवर टोल्ड बाय सुमित, सुमित आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, दैट बिकम्स ऑब्जेक्ट वाइल कन्वर्टिंग इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में स्टार्ट किससे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, तो दैट पैसिव वॉइस ऑल्सो स्टार्ट विद द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब दी सुटेबल होगी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो आपको पुटअप करना। अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है तो सेम डब्ल्यू एच क्वेश्चन पैसिव वॉइस में भी स्टार्ट होगा। स्ट्रक्चर डब्ल्यू एच क्वेश्चन का क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी, दिस इज अकॉर्डिंग टू द टेंस कि कौन सा टेंस आपको दिया हुआ है, कौन सा टेंस का आप सेंटेंस चेंज कर रहे हैं, वो किस टेंस में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बी वर्ब ऐड करनी है, प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस प्रपोजिशन इफ नेसेसरी, अगर वहाँ पे नेसेसरी है। एग्जाम्पल, हु एट ऑल द फ्रूट्स, तो यहाँ पे हम जब चेंज करेंगे बाय हुम वर ऑल द फ्रूट्स ईटन, एट दिया हुआ है दैट इज द फर्स्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट, ईट इज द बेस फॉर्म और एट क्या है आपका सेकेंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल ईटन क्या हो जाएगा, ईटन, यहाँ पे देखिए ये ऐड किया है ना कन्वर्ट करते समय, बाय हुम वर क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि सारे फ्रूट्स किसने खा लिए हैं और वर किसके लिए है, पास्ट टेंस में यूज, बाय हुम वर ऑल द फ्रूट्स ईटन। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन विल द बेल रिंग, बेल कब रिंग हुई, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन, यहाँ पे नो चेंज, व्हेन विल बेल बी रंग दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अगेन। इफ एक्टिव वॉइस स्टार्ट्स विद अदर ऑक्सिलरीज, दूसरी ऑक्सिलरीज से स्टार्ट हो रही हैं लाइक कैन कोड विल सॉरी शैल शुड विल वुड, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा लाइक दिस, कैन कोड शैल शुड विल वुड प्लस, मतलब अगर ये वाली ऑक्सिलरीज से स्टार्ट हो रही हैं दूसरी ऑक्सिलरीज से, तो वहीं उसी को हमको पुटअप करके पैसिव वॉइस में भी कन्वर्ट करना है, प्लस सब्जेक्ट बी वर्ब देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, एक्टिव में विल दे बाय एनी थिंग, विल से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव में भी कन्वर्ट करते समय उसी से स्टार्ट करेंगे, विल प्लस आप क्या लगाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है एनी थिंग, विल एनी थिंग बी बाय का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बॉट, बाय यहाँ पे हमारा दे क्या था सब्जेक्ट दैट बिकम्स द ऑब्जेक्ट है,
विल एनी थिंग बी बॉट बाय देम। इसमें यहाँ पे आपका ये है सब्जेक्ट और ये दैट इज द ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। ओके नाउ यस नो क्वेश्चंस, जो भी यस नो क्वेश्चंस हैं, यस नो मीन्स जिन क्वेश्चंस का जवाब आपको या तो हाँ में मिलेगा या तो ना में मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे चेंज करना है, अगर डू और डज से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज डू और डज क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब का, तो प्रेजेंट फॉर्म है तो आपकी बी वर्ब कौन सी होंगी, प्रेजेंट की ही यूज होंगी, इज एम आर, डिड दैट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डू, तो वहाँ पे आपको पास्ट फॉर्म की बी वर्ब्स यूज़ करना है क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए। नाउ दैट इज डज द नॉइज डिस्टर्ब यू, ये सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में, और क्वेश्चन आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस की वर्ब से पूछ लगाया है क्वेश्चन, दैट इज डज द नॉइज डिस्टर्ब यू, सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है इसलिए आपको बी वर्ब भी प्रेजेंट टेंस की यूज करना है। अब यहाँ पे यू हमारा ऑब्जेक्ट है तो यू के अकॉर्डिंग आपको कौन सी बी वर्ब पुट अप करना है, आर, डिज द नॉइज सॉरी डज द नॉइज डिस्टर्ब हिम होता तो हिम के अकॉर्डिंगली आपका वर्ब यहाँ पे लगता तो हिम होता तो वहाँ दैट बिकम्स ही, इज ही डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज, ऐसे चेंजेस होना है तो आपको ये बातें ध्यान में रखना। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पास्ट टेंस, डिड ही राइट अ लेटर यस्टरडे, क्या उसने एक लेटर लिखा यस्टरडे, वॉज अ लेटर रिटन यस्टरडे बाय हिम, यहाँ पे अ लेटर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है तो जब हम उसको चेंज करेंगे तो ये बातों को ध्यान में रखना है कि क्या ऑब्जेक्ट है क्या सब्जेक्ट है एंड वॉट आर द नेसेसरी चेंजेस विल बी देयर वी हैव टू पुट अप वाइल कन्वर्टिंग एनी सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। होप यू यू विल गेट द एक्सरसाइज दिस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चैप्टर, सो गो थ्रू दिस स्ट्रक्चर, आई विल सेंड यू दिस एंड लर्न दिस बाय हार्ट एंड वी विल डू द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।